2020 बस खत्म ही होने वाली है, और अगर मैं ये बोलूँ कि 2020 उतनी भी बुरी नहीं है तो क्या आप बिलीव करेंगे? आई नो 2020 सुनने से आपको COVID-19, फ्लड्स, रायट्स, डेथ, लो इकोनॉमी, WHO, बुशफायर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सुशांत सिंह राजपूत, गैस लीक, प्रेग्नेंट एलिफेंट डेथ इन केरला एंड द लिस्ट गोज ऑन याद आ जाता है। 2020 में हमने जितने हैशटैग्स यूज किए, जैसे कि #StaySafe, #StayHope, #2020TheWorstYear, #WuhanVirus, उतने में तो ऑलरेडी हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। एंड उसके बाद तो ये बिलीव करना मुश्किल ही है कि 2020 में कुछ अच्छा भी हुआ है। बट 2020 ने हमें यही तो सिखाया है, पॉजिटिविटी ढूंढो एंड छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढो। सो चलिए देखते हैं वो कुछ अच्छी चीज़ें जो 2020 में हुई है, एंड अंडरलाइन द फैक्ट दैट 2020 वॉज नॉट अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ अ ईयर। सो 2020 एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छी रही। चाइना ने फाइनली वाइल्ड एनिमल्स के खाने पर बैन लगाया, इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन डबल हो गई, येलो टर्टल स्पॉट किए गए ओडिशा एंड बंगाल में, और जब हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद थे तब एनिमल्स आराम से रोड्स पे घूम रहे थे, एंड ये बहुत ही रेयर क्या, कभी हमने देखने को भी नहीं मिलती। सो नेक्स्ट इज, हमें हीरो का सही मतलब समझ आया। हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, पुलिस फोर्सेस, एयरपोर्ट एंड एयरलाइन स्टाफ और हर एक स्टाफ जो फ्रंटलाइन पे हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर्सनिफाइड द वर्ड हीरो। इतने बुरे हालात में जब हम सब अपने अपने घरों में क्वारंटीन थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने हर रोज अपनी लाइफ दांव पे लगा के हमें प्रोटेक्ट करा, और वही रियल हीरोज कहलाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें ये बात समझ भी आई। 2020 की नेक्स्ट जो अच्छी बात रही वो ये कि हमें अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स से रिकनेक्ट होने का बहुत टाइम मिला, एंड मेंटल हेल्थ अब हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है। 2020 में हमने अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को पहचाना। पूरे लॉकडाउन में बहुत ने पेंटिंग स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और कुकिंग भी स्टार्ट कर दिया। सो अब हमारे पास बहुत सारे शेफ्स, आर्टिस्ट्स एंड म्यूजिशियंस है। #PandemicProductivity। नेक्स्ट, फेथ इन ह्यूमैनिटी वॉज रिस्टोर्ड। सोनू सूद से लेकर बाबा का ढाबा तक, या फिर डोनेशन फल वाले के लिए जिसकी दुकान लूट लिया गया था, लोगों ने ह्यूमैनिटी पे विश्वास करना भी फिर से स्टार्ट किया। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और इस सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि चाहे कोविड आए या फ्लड, अगर हम ह्यूमन साथ हो तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ वी होप कि 2021 भी बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस लाए आप सबकी लाइफ्स में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू करवा की स्पीक्स, एंड प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवन्ट डन टिल नाउ।